तो बात शेयर बाजार की आज के कारोबार में भारतीय बाजारों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 6 जनवरी के बाद निफ्टी 7,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। एफआईआईज की तरफ से बाजार में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है और आज के कारोबार में सेंसेक्स 333 अंक और निफ्टी 100 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में बैंकिंग, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और टेलीकॉम शेयर्स में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। तो हो सकता है यहाँ से हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखें इस फेज़ में, और जैसे जैसे अर्निंग्स रिकवरी आते जाएगी मार्केट को, इंडेक्स को वो डायरेक्शन मिलता जाएगा। बट बार बार हम ये कहेंगे खाली इंडेक्स को देख के अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ना बनाएं। आने वाले साल दो साल बहुत मार्केट नैरो होने वाला है और जो कंपनीज़ अर्निंग्स ग्रोथ देंगी उन्हीं कंपनियों को मार्केट सल्यूट करेगा और वही निवेशक रिवॉर्ड होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि वजह क्या है, क्यों भाग रहा है बाजार, ये भी जान लीजिए। वायदा में पुट राइटर्स हावी पूरा दिन 7600 के ऊपर टिके और बाजार फेड के फैसले के बाद ग्लोबल बाजारों में भी तेजी देखने को मिली, ये भी एक मुख्य वजह मानी जा रही है। एफआईआईज की तरफ से बाजारों में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है, बैंकिंग शेयर्स में लगातार हो रही है खरीदारी। तो हम आपको वजह बता रहे हैं, 2 अप्रैल को क्रेडिट पॉलिसी में दरें घटने की उम्मीद भी है, तो ये खास वजह रही है जिनकी वजह से आज बाजार में काफी उछाल देखने को मिला।